हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये टीवी देख सकते हैं, ये हमारा कुछ सैनियों का, हाँ सैनियों का है टीवी, ठीक है, चाइना ही है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं, वाइट पूरा पूरा डिस्प्ले वाइट हो गया। इसमें देख सकते हैं ये जो डॉट है ना, देख सकते हैं कैसा आ रहा है, थोड़ा जाड़ा जाड़ा आ रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या चेक करेंगे वो मैं आपको सेटअप बाई सेटअप बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहे। ये देख सकते हैं हमने बैक कवर खोल रखा है, ठीक है, ओपन कर लिया। ये इसका डिस्प्ले है और डिस्प्ले नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और हमारा ये 32 इंच का पैनल है, ठीक है, दो कॉफ वाला, दो कॉफ है, ठीक। ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है। तो अभी हमको पैनल रिपेयर करना है, तो ठीक है, टीवी हमारा ऑन है, ठीक है, वाइट डिस्प्ले भी है, अभी भी दिखा दूँ, देख सकते हैं वाइट डिस्प्ले, ठीक। तो 12 वोल्ट तो हमारा कंफर्म आ रहा होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं शुरू से। एक मिनट, मीटर जो प्राड है उल्टा लगा चुका लगा दिया हूँ मैं। ये देखिए हमारा तो 12 वोल्ट ओके है, ठीक है, देख सकते हैं 12 वोल्ट हम ओके परफेक्ट। और सबसे पहले जो वोल्टेज है इसमें क्या है, बीकॉम चेक कर लेंगे। एक मिनट, जो बीकॉम है, बीकॉम तो 7 वोल्ट आ रही है, ठीक है, हमारी बीकॉम 7 वोल्ट आ रही है और बीकॉम सही है। ये हमारा VGH है, जूम करके दिखा दो, VGH देख सकते हैं, यहाँ VGH लिखा है, ठीक है, ये देखिए VGH है, यहाँ VGH भी हमारा 29 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी मैं VGL AVDD, ठीक है, जो 16 से 18 वोल्ट रहता है वो भी 16 वोल्ट आ रहा है, ठीक। अभी बीकॉम भी तो आ ही रहा था अपना, और ये VGL है, ठीक है, ये सारे वोल्टेज ओके हैं। हमारा जो ये DC to DC IC है परफेक्ट काम कर रहा है जो हमारा है। अब जो हमारा जो दूसरा चेक करना है, ये तो हमारा ये गेट IC है, ठीक है, ये गेट को चलाता है अपना पैनल को, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी इसका बहुत सारे जो मैकेनिक रहते हैं गामा IC ढूंढेंगे ये फोल्ड में, गामा IC इसमें है नहीं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से DC to DC IC मेन IC हो गया, ये हमारा गेट IC हो गया, ये भी बीकॉम का ही रहता है, ठीक है। और जो है गामा IC की जगह पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगाया हुआ है हमारा, ठीक है, देख सकते हैं एक मिनट, देखिए सारा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जूम करके दिखा दो, देखिए। और रेजिस्टेंस का ये जो PF लगा हुआ है जहाँ हमारा 17 वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए जंग खाया हुआ है, ठीक है, देखिए मॉइस्चर आया हुआ है। एक बार यहाँ वोल्टेज चेक कर लेता हूँ गामा का, ठीक है, गामा का चेक कर लेता हूँ, यहाँ देखिए कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी और लास्ट में भी चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ यहाँ भी देख सकते हैं कुछ नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये जो PF जो दिख रहा है ये मॉइस्चर खाया हुआ है, दिखा दो, देख सकते हैं ये हमारा PF लग रहा है शॉर्ट हो चुका है। तो TV को पहले ऑफ करता हूँ, ठीक है, अगर PF शॉर्ट नहीं है तो आपको जो पहले बताया इस सारी वोल्टेज, ठीक है, ये बीकॉम का IC, ये बीकॉम का भी चेक कर लेना, 6-7 वोल्ट आता है। अभी मीटर को हमने देख सकते हैं चेक कर लिया, अभी चेक करके देख रहे हैं पहले काम करेगा नहीं मीटर, ठीक है, मीटर काम कर रहा हमारा। अभी PF का ये साइड में तो ग्राउंड है, ठीक है, और दूसरे साइड यहाँ भी शॉर्ट बता रहा, देख सकते हैं। यानी सबसे पहले PF ओपन करता हूँ मैं, फिर चेक करते हैं इसमें शॉर्टिंग हटा कि नहीं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ पहले, निकलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। TV हमारा ऑफ है, ध्यान रखना आप भी, थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे तो आसानी से PF निकल जाएगा, ब्लोअर से भी निकल जाता है। देखिए आसानी से निकल गया हमारा PF, ये जो PF है PF निकल गया। अभी सबसे पहले यहाँ जो है शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ, यहाँ शॉर्टिंग था, देख सकते हैं शॉर्टिंग हट गया हमारा, मीटर पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले TV को ऑन करके वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पे TV में पावर लगाते हैं,
हमारा रेड इंडिकेटर आ गया, ये पावर का है स्विच। थोड़ा सा स्विच कम काम कर रहा है, चालू हुआ। अभी सबसे पहले यहाँ हम अपना वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अपना देख सकते हैं यहाँ 16 वोल्ट आ गया, ठीक है। अभी गामा आईसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है देख लेते हैं, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस भी कोई ख़राब हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर आ गई है, और थोड़ा सा जो साइड में ब्लैक को वाइट शेडो है, ये पिक्चर पिक्सल जो है छप चुका है इसके अंदर, ठीक है। ये 12 से 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा, बाकी पिक्चर देख सकते हैं आप एकदम क्लियर हो गया। ये जो वाइट वाइट आ रहा है ना साइड में थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये 24 घंटे के अंदर सही होगा, क्योंकि पिक्सल छप चुका है इसके ऊपर, ठीक है। 24 घंटे के अंदर सही हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखें।